पे करो। दोस्तों, रेगिस्तान के महारथी कार्यक्रम में हम आपको ऐसी शख्सियतों से मिलवाते रहते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा कार्य किया हो। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाने वाले एक कलाकार, तो हम इनसे ही जानते हैं इनका परिचय। भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? छपरा से हैं। छपरा जी, बिहार। बिहार में पड़ता है? बिहार पड़ता है। तो आप कब से बांसुरी बजाना, कब से स्टार्ट किया था आपने? लगभग हो गया 35 साल बजाते हुए। तो ये सीखा कहाँ से? आपके परदादा बजाया करते थे या आपके समय से स्टार्ट हुआ? परदादा तो हम नहीं देखे, लेकिन पापा देखे हैं। पापा यही करते थे, हम नहीं करने लगा और जो है धीरे धीरे बजाते बजाते हमको बजाने आ गया। तो इनका कहना है कि इनके परदादा को देखा नहीं, लेकिन इनके घर में बांसुरी बजाई जाती थी, तो इनका ये खानदानी काम है। अपने आप सीखते हैं, खुद बजा बजा कर ये सीखे हैं। तो ये यहाँ पर जैसलमेर में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो यहाँ गलियों में घूमते रहते हैं, कहीं बैठ जाते हैं और ये बांसुरी बेचा करते हैं। जो भी पर्यटक आते हैं, बड़ा ही आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बच्चे बांसुरी मांगते हैं, बड़े भी शौक में ले जाते हैं कि शायद मैं भी बांसुरी बजाना सीख जाऊँगा। इतनी सुंदर मधुर दुनिया बजाते हैं। और भी मैं इनकी बजाई हुई कुछ ध्वनि आपको सुनवाता हूँ, कुछ और भी अच्छी जो आप अच्छी हो ना वो आप सुनाइए एक बार। नील कमल का गाना इन्होंने सुनाया, कितना सुंदर मधुर दुनिया। ये अपनी बांसुरी पे कोई भी गाना निकाल सकते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेला फिल्म, जो आपको याद होगा, जो कमाल अमरोही थे, उनके गांव में एक बांसुरी बजाने वाला आता था मेले के अंदर। तो जब वो छोटे थे, उस बांसुरी वाले को देखा करते थे। लेकिन आपको मैं बताऊं, जब वो मुंबई चले गए फिल्म इंडस्ट्री में, तो उस बांसुरी वाले को याद किया और जब मेला फिल्म बनाई थी तो इसी बांसुरी की ध्वनि को उसमें इस्तेमाल हुआ था। लेकिन उस आदमी को ढूंढा तो वो व्यक्ति तो नहीं था, लेकिन उनका एक बच्चा था जो बांसुरी बजाता था। उसने वो बांसुरी उस मेला फिल्म में उसका इस्तेमाल हुआ था। देखिए बच्चे, आप बांसुरी कितने की देते हो? ये वाली 30 का है। 30 का है भैया, 30 रुपये का है। तो आपका ये बच्चे बड़े सभी ये बांसुरी खरीदते हैं इनके लिए। एक बार इनको बांसुरी दे दो पहले, फिर हम जारी रखेंगे।
तो दोस्तों अभी बीच में कस्टमर आ गए थे और एक बच्चा था बांसुरी लेने के लिए, तो हमें रुकना पड़ा। हम देखिए वापस शुरू करते हैं। अच्छा ये बताइए, बांसुरी आप खुद बनाते हो क्या? जी अपने हाथ से बनाते हैं। तो ये किस मटेरियल की बनी होती हैं? बहुत सामान लगता है उसमें, कोयले लगते हैं और रहर का खोटी लगता है और जो है अपने हाथों से काट कर बनाते हैं हम लोग। अच्छा आप बनाते हो, आपके घर में आपके परिवार वाले बनाते हैं? हम भी बनाते हैं, परिवार भी बनाता है सब। अच्छा आपके परिवार में कौन कौन है? दो लड़के हैं और जो है मैं बनाता हूँ, मेरी बच्ची भी बनाती है। अच्छा आपका लड़का भी ये बजाना आता है उसको? और एक लड़का को आता है, एक लड़का को नहीं आता है। एक लड़का, उसको क्यों नहीं आता बताओ? वो पढ़ने वाला लड़का, शौक नहीं है उसका बजाने का। अच्छा ये शौक होगा तभी आदमी सीख सकता है, बाकी हर व्यक्ति नहीं सीख सकता। तो अच्छा और एक धुन सुनाइए आपको जो बहुत अच्छी लगती हो। झुमका गिरा रे, आपने कितनी मधुर ये ध्वनि बांसुरी पे निकाली। अच्छा ये बताइए कि आपका ये घर का खर्चा इनसे चल जाता है क्या? चल जाता है भैया, चल जाता है। परिवार में कौन कौन है आपके? तीन लड़कियां हैं। अच्छा। तीन लड़का है, बीबी है, मैं हूँ। तो वो सब यहाँ रहते हैं? यहाँ कितने लोग रहते हैं जैसलमेर? यहाँ दो आदमी रहते हैं, बाप बेटे रहते हैं, एक लड़का रहता है, मैं रहता हूँ। अच्छा ये सीजन खत्म हो जाएगा, पर्यटक आने बंद हो जाएंगे, फिर आप वापस घर चले जाएंगे? गाँव चले जाएंगे फिर। तो दोस्तों ये छपरा जिला बिहार के रहने वाले हैं और कई वर्षों से जैसलमेर में ये बांसुरी बेचने आया करते हैं जब भी पर्यटन सीजन होता है, और इनकी इतनी मधुर ध्वनि बजाते हैं बांसुरी पे कि पर्यटक इनकी बांसुरी खरीद लेते हैं कि शायद मैं भी सीख जाऊँ ये सोच करके। अच्छा और भी एक दो ध्वनि हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए आप सुना दीजिए। एक ध्वनि और है वो परदेशियों से ने आँखियाँ मिलाना, थोड़ा सा वो सुना दीजिए।
अच्छा, आप जैसलमेर में काफ़ी समय आप गुजार चुके हैं, कोई राजस्थानी धुनी जो आपके आसपास जो कलाकार रहते हैं उनसे कुछ सीखा है क्या आपने? किसी से नहीं। नहीं, राजस्थानी जो धुनी कोई आती हो, कोई जैसे पधारो हमारा देश बजाते हैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ें बजाते हैं, पधारो हमारे जैसे जो चार तरीके जानते हैं, सीख गए आप? अच्छा अच्छा, थोड़ा सुनाओ कैसे कैसे बजाते हैं आप। देखिए, हमारे जो लोकल जो हमारे कलाकार हैं वो रावण हत्ता पर एक ध्वनि बजाते हैं, पधारो मारे देश। देखिए, इन्होंने बांसुरी पे कुछ उनसे सीखा है तो ये आपको सुना रहे हैं। वो हमारी ये थी केसरिया बालम पधारो मारे देश, राग माण पर आधारित। तो इन्होंने हमारे जो लोकल आर्टिस्ट हैं जैसलमेर के, उनसे इन्होंने ये सीखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं आपका परिवार सुखी रहे, आपका ये जो बांसुरी का जो कला है और भी निखरती रहे, और हमारे जो आते हैं पर्यटक उनका मनोरंजन करते रहें। इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ बातचीत की।